समझाती है महाराज, आप इस समय बात करने की हालत में नहीं है। आप एक राजा हैं, मैं एक रैयत हूं, और एक रैयत के लिए एक राजा बाप बराबर होता है। वो हाथ जोड़ लेती है और उस कीचक को समझाने की कोशिश करती है। कैसे, क्या बता? Thank you.
خلق کے رچنے والا ایشور خلق کے رچنے والا ایشور سب کا خلق او سے اس تے نیچے پرجا کے اوپر راج کا پالک او سے सम्मान करते हैं हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद ये भाई गोगी शर्मा जी 50 रुपए की मान सम्मान करते हैं शर्मा जी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद ساري بلبل او سے چتریہ
भी इस जंग ते चले दुनिया में चलो हो से सबसे बड़ी तपस्या करके राजों का कुल हो से राजा के लिए ते सारी प्रजा बेटी के कुल हो से संदीप भारद्वाज जी स्वरूप समान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद नरेश सराज जी स्वरूप शास्त्रवाद देते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद धर्मवीर जी स्वरूप समान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद 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 आखिरी सांस चले हुए जख्मी हालत लहूलुहान वो मेरे फौजी भाई ने बोला भाई चिट्ठी में यह बात तो लिखी लेकिन एक और लिखो क्या लिखे सुनो मेरी बात क्या कहा पाले राम जी अपने ताऊ जी की याद में जो सिंगापुर में शहीद हुए थे 40 में उनकी याद में 100 रुपए देते हैं बार बार धन्यवाद किया जाए धन्यवाद नरेश भाई सैराव साहब काफी रुपए पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं सुल्तान भाई ने और 100 रुपए से मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद धन्यवाद कदम हटाइयो जिस जननी का
इंसान जैसे कर्म करता है वैसे उसका फल मिलता है। इंसान अपने मन में सोचता है अब तो न देखनिया कोई नहीं, लेकिन जिस घड़ी में जिस पल में वो गलत कर्म करता है उसका लेखा जोखा उड़ फिक्स हो जाए। 28 नरक बताए पंडित जी ने, उनकी शर्त आपस में मिली हुई उन कर्मों का लेखा जोखा उड़ा हुआ है। उदाहरण दिया है, इस समाज को समझाया है, कौन सा उदाहरण? अकवा गलत करेंगे तो उनके लिए देख न्यू होगा। क्या कहा, क्या बताया? सतेश मलिक सुल्तानपुर मोहन शर्मा डाटा स्टेज पर आ जाओ। ये रखा इस नरक प्यास न लक्ष्मी चन सतगुरु की गैर पुरुष और गैर स्त्री देखो इसका कमा के वाहे तस्वीर मिले की जब पड़े नरक में मलिक जी। सौ रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद।